बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर जालौन में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली गई है, और जिसको लेकर डीएम एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों को मतगणना की सुरक्षा में मुस्तैद किया गया है। साथ ही बताया कि जालौन की 3 तहसीलों की मतगणना उरई के नवीन कला मंडी में होगी। कल मतगणना को लेकर पूर्ण रूप से हमारी तैयारियां हो गई हैं और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी इस पूरी व्यवस्था में लगाए गए हैं, जिसमें सीएपीएफ एवं पीएससी का भी व्यवस्थापन मतगणना सेंटर के आसपास एवं विभिन्न जनपद में विभिन्न स्थानों पर, संवेदनशील स्थानों पर भी किया गया है। रूट डाइवर्जन रहेगा, कोई भी भारी वाहनों को जो झांसी कानपुर हाईवे है उस पर नहीं जाएंगे, और गोविंदम से वन वे ट्रैफिक रहेगा मंडी के आगे तक, और उस दोनों साइड एक ही रोड पे ट्रैफिक चलेगा। गोविंदम पे कट पे से ही थ्रू सबकी एंट्री होगी, जो भी हमारे एजेंट्स एवं मतगणना कर्मी पुलिसकर्मी हैं, और अधिकृत लोगों के अलावा किसी भी व्यक्ति की वहां से एंट्री नहीं होगी। जो विभिन्न कलर के पास हैं, मीडिया कर्मियों के लिए, एजेंट्स के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए और प्रशासनिक हमारे जो कर्मी लगे हुए हैं पूरी व्यवस्था में, ये भारत निर्वाचन आयोग के समय अनुसार जो है वो 8 बजे सुबह मतगणना का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमारी 3 विधानसभा की मतगणना ये अपने मंडी स्थल पर होगी, जिसमें माधोगढ़, उरई और कालपी, और शेष संसदीय के 2 जो क्षेत्र हैं घुगनीपुर और गरौठा की झांसी और कानपुर देहात में होगी। मतगणना का कार्य 8 बजे प्रारंभ होकर के माधोगढ़ में, चूंकि 530 बूथ है, इसलिए वहां पर 38.7 राउंड चलेगी। इसके बाद अन्य 2 हमारी विधानसभा कालपी और वहां पर 35 और 34 राउंड होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मतगणना जो है 2 से 4 बजे के मध्य जो है ये समाप्त हो जाएगी। पोस्टल बैलेट की गणना सवेरे 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगी, फिर ईवीएम का चक्रानुक्रम में जो है कंट्रोल यूनिट से निकले हुए मतों की गणना होगी।